गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे सुबह के 5:10 और आज निकल रहे हैं अपने होम टाउन से। तो अभी चलते हैं, स्नान वगैरह कर चुके हैं और थोड़ा हल्का फुल्का चाय वगैरह पीते हैं और कुछ हल्का फुल्का खाएंगे और चाय वगैरह थोड़ा पी के उसके बाद निकलते हैं रेलवे स्टेशन। तो मिलते हैं आपसे। तो गाइस चाय और पेना खा के निकलते हैं। सो गाइस 5:45 पर निकल गए हैं और आज छठ मैया का पूजा है। सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ देंगे लोग। तो बम पटाखे वगैरह जो आप सुन रहे होंगे वो वही है। सो गाइस निकल पड़े हैं स्टेशन के लिए और थोड़ा दूर मेरी सिस्टर भी जाएगी। और गाइस कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो लिंक दे दूँगा, देख लीजिएगा। और यहाँ पर अर्घ वगैरह दिया जाएगा अभी सूर्य उग गया तो एकदम मेले से कम नहीं आज। सो गाइस फाइनली गोरखपुर जंक्शन पे आ चुके हैं और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। तो अब सीधे निकलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जहाँ अपनी ट्रेन आएगी। और गाइस ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्टेशन प्लेटफॉर्म है, लंबाई इसकी अब। सो गाइस फाइनली 1 नंबर के जो मेन प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आ चुके हैं। प्लेटफॉर्म तो बहुत पहले से शुरू हो जाता है और सेडेड प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आ चुके हैं। और टाइम अभी हो रहा है 6:10। तो जो अपनी गाड़ी है मौर्य एक्सप्रेस वो आएगी 7:20 प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्चर होगी। तो अभी टाइम है, थोड़ा पहले आने का रीज़न है कि टाइम से पहुंच जाए बस। सो अभी पूछताछ काउंटर पे आए हैं। वैसे सब कुछ पता है बेटा, एक बार मैनुअली देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपनी मौर्य बता रहे प्लेटफॉर्म 2 पर आएगी और यहाँ पर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। चार्ट भी लगा इधर इस तरह से लिख के चार्ट भी लगा रहता है और अनाउंसमेंट होगा और अंकल भी मिलने। प्लेटफॉर्म 1 पे क्लॉक रूम अमानती घर अवेलेबल है, आप यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ पे बुकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। सो गाइस स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी और अभी फ़िलहाल ट्रेन के अंदर आ चुके हैं। और अभी टाइम हो रहा है 6:26। चूँकि ट्रेन यहीं से खुलती है इसलिए ये पहले ही आके लग जाती है। और अभी ट्रेन 7:25 पर खुलेगी और हटिया तक जाएगी और मुझे बोकारो ही उतरना है। तो एक बार आपको ट्रेन का रिव्यू देते हैं। सो गाइस ये है मौर्या का स्लीपर बोगी का कोच के डब्बे है, स्लीपर कोच के डब्बे का। तो जैसे जनरल स्लीपर क्लास में होता है वैसे ही इधर भी 3 सीटें हैं एक साइड में और अपोजिट साइड में भी 3 सीटें हैं, डाउन मिडिल एंड अपर बर्थ। बोतल होल्ड करने के लिए है ऊपर 2 और कपड़े वगैरह टांगने के लिए यहाँ पे है, यहाँ पे। उसके बाद फ़ैन वगैरह ऑन कर सकते हैं यहाँ से, चार्जिंग के लिए दिया है। और इधर साइड लोअर एंड साइड अपर की 2 बर्थ, बाकी साइड में यहाँ पर भी वही है बोतल होल्डिंग के लिए और चार्जिंग वगैरह के लिए। बाकी गाइस ये टॉयलेट है, ये वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है और इधर इंडियन स्टाइल है। बाकी आप देख सकते हैं टोटी वगैरह लगाए हैं पकड़ने के लिए है। और अंदर जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिन है, टोटी है, सामने मिरर है। तो गाइस ये था मौर्य के स्लीपर कोच का डब्बा। तो आपने देख लिया कैसे सीटें हैं और आप 6:30 हो रहे हैं, आधा घंटा वेट करेंगे उसके बाद ट्रेन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी खुलना। तो गाइस चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और गाइस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो अभी एक बार ट्रेन खुलती है फिर मिलते हैं आपसे। गाइस फाइनली 7:25 पर ट्रेन खुल गई है। सो गाइस 10:00 गाड़ी सिवान पहुँच चुकी है और मैं थोड़ा लेट गया था तो अभी जस्ट उठ रहा हूँ, करीब एक घंटा मैं अभी लेट लिया। तो चलते हैं, थोड़ा घर से मिला हुआ है, कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। सो गाइस आलू का पराठा और आलू की भुजिया सब्जी, तो नाश्ता वगैरह करते हैं। गाइस फाइनली 6:15 पे बरौनी जंक्शन पहुंच गई है गाड़ी। बरौनी पहुंच चुकी है, कुछ खाते पीते हैं यहाँ से, चाय वगैरह पिया जाए थोड़ा। तो एक चाय लिए हैं और एक ये लिटिल हर्ट है। बाकी घर से लाया था आलू पराठा, वो अभी बचा है तो करीब 8 बजे खाएंगे अभी 2 घंटे बाद। तो गैस ब्लॉग में कुछ पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और गैस चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। तो गैस प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 पे एक बुक खरीद रहे हैं, मैथमेटिक्स डिक्शनरी टाइप का है, तो इसमें सारे फॉर्मूले मैथ वर्थ के हैं।
बाकी आप आके ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, नॉवेल वगैरह है बहुत से राइटर्स की। कभी कभी बुक्स वगैरह देख के थोड़ा मन कर जाता है कि कुछ पढ़ा लिखा जाए। इसमें बहुत से पुराने मैथमेटिक्स के फॉर्मूले वगैरह थे तो थोड़ा सा ले लिया है। कभी कभी ज़रूरत होगी तो एक बार नज़र मार लेंगे। वैसे तो कई फार्मूले होते तो गूगल वगैरह करना पड़ता है या फिर पुरानी बुक्स में ढूंढना पड़ता है। इसलिए रात के 7:45 हो रहे हैं और घर से जो लाया था आलू पराठा वो सब खा हो चुके हैं। तो चलते हैं तो रेस्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं अभी सुबह। तो गैस अभी तक कुछ पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और गैस चैनल बनाया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। आज अभी गाड़ी झजा स्टेशन पर रुकी हुई है, रात के 10 बज चुके हैं। बट थोड़ा देर यहाँ गाड़ी रुकी हुई है, चाय वगैरह पी लेते हैं उसके बाद। तो गाइस 3:51 पे बोकारो स्टील सिटी पहुंच चुके हैं और अभी स्टेशन पे कुछ ऐसा माहौल है। 3:50 हो रहा है फिर भी, तो अभी स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलते ही ऑटो वगैरह मिल जाएगा। तो गाइस कुछ पसंद आया होगा अभी तक पूरे जर्नी में तो लाइक कीजिएगा। तो गाइस फाइनली 4:40 पे रूम के अंदर आ चुका हूँ और इसी के साथ गाइस ये पूरी जर्नी गोरखपुर से बोकारो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। होप आपको कुछ पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और गाइस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।